हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले अपनी वर्कशीट 4 क्लास 10th है, सब्जेक्ट हिंदी है और तिथि है 12 जुलाई। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन है नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्ट एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। ये दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये समुचित रूप में व्यय हो, ये देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा का प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 में शिक्षा प्रशासन केंद्र विषय ही रहा। 1921 के बाद से अब तक ये राज्य का विषय ही बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिक यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा, वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सचिव में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। आगे पढ़ते हैं। अक्टूबर 1976 में इस विषय को स्मृति सूची में ले लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, धार्मिक शब्द का प्रत्यय को अलग कीजिए। धार्मिक में से प्रत्यय अलग करना है। तो ये देखिए, धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? इक। तो धार्मिक में से प्रत्यय अलग करना था, तो धर्म प्लस इक धार्मिक होता है। तो हमारा इक जो है वो क्या है? वो हमारा प्रत्यय है। ओके, आगे पढ़ते हैं। विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। विशिष्ट और सीमित दोनों शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। धार्मिक का धर्म प्लस एक और विशिष्ट का हमें विलोम शब्द बताना था। दो विलोम शब्द बनाए हमने, साधारण और एक आम। सीमित का हमने बताया है असीमित। ठीक है, चलिए थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड में हमसे बोला है, शिक्षा को समवृत्ति सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो कौन सा वर्ष था वो? चलिए हम बाकी के प्रश्न भी पढ़ लेते हैं और फिर एक साथ आंसर लिखेंगे। प्रश्न 4 में शिक्षा में संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न 5, आप परिवर्तन विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से दो परिवर्तन करना चाहेंगे? तो आप क्या थोड़ा सा बदलाव करना चाहेंगे, तो वो कौन सा बदलाव है? तो थर्ड का आंसर तो हमारा ये है, 1976 में हमसे ईयर पूछा गया था तो हमने बता दिया। फोर्थ में हमसे पूछा गया था शिक्षा से संबंधित 1813 में कौन सा मुख्य उद्देश्य था, ऐसा कुछ। तो शिक्षा में संबंधित 1813 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना तथा उसमें आमूल चूल की परिवर्तन करना था। ठीक है, तो ये उसका फोर्थ आंसर हो गया। फिफ्थ का फर्स्ट, शिक्षा रोजगार उन मुख्य का होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा रोजगार का उन मुख्य की होनी चाहिए। फिर सेकंड, इसमें हमसे पूछा था कि कोई बदलाव करना चाहते हैं क्या? तो छठी कक्षा के विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप मैथ्स और मतलब साइंस
पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अलग ऑप्शन होना चाहिए। लाइक मैथ्स और SST, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन SST नहीं पढ़ना चाहते तो उसमें आपका एक अलग ऑप्शनल होना चाहिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर कुछ और तो आप ये लिखिएगा। लेकिन अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, आपके मन में कुछ और बात है कि मैं इसमें कुछ और लिखना चाहता हूँ बदलाव के लिए, तो आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 4 हिंदी की। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।